तीन ऐसी बातें जिन्हें आप बुद्ध और उनके भिक्षुओं के जीवन से सीख सकते हैं। ये तीन बातें आपके जीवन में सुख और शांति लाएंगी। पहली बात, दूसरों के मन में झांकने की बजाय अपने मन में झांकना। आजकल हर कोई सामने वाले के मन में झांकना चाहता है। वह ये जानना चाहता है कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है, जबकि यह एक बहुत ही बेवकूफी भरा कार्य है, क्योंकि आपका किसी दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं है। और जब नियंत्रण ही नहीं है तो इस बात से फर्क क्या पड़ता है कि वह आपके बारे में कैसी सोच रखता है। चाहे वह आपके बारे में अच्छा सोचता हो या बुरा, आप उसकी सोच को नहीं बदल सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि अपनी ऊर्जा को ऐसी चीजों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। दूसरी बात, ऊर्जा का संरक्षण और उसका सही उपयोग करना। बहुत से लोग बेवजह बोलते रहते हैं। उन्हें भी नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं, लेकिन वे बोलते रहते हैं। बोलना दो तरह का होता है, एक बाहर बोलना और दूसरा अपने भीतर बोलना। इन दोनों ही तरीकों से बोलने में हमारी ऊर्जा की सबसे ज्यादा खपत होती है, लेकिन इस तरह से ऊर्जा की खपत करने से हमारा विकास नहीं विनाश होता है। हम मजबूत नहीं कमजोर बनते हैं, हम बुद्धिमान नहीं बुद्धिहीन बनते हैं। लेकिन बुद्ध और उनके भिक्षु ऊर्जा का इस तरह से उपयोग नहीं करते थे। वे ऊर्जा का उपयोग पैदल चलने में करते थे, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहता था। वे अपनी ऊर्जा का उपयोग ध्यान में करते थे, जिससे उनकी आत्मिक वृद्धि होती थी। तो सूत्र यही है कि ऊर्जा का उपयोग ऐसी चीजों में करें जो आपका विकास करे, ना कि विनाश। तीसरी बात, महान बनना लेकिन अपनी महानता का प्रदर्शन ना करना। अगर आपके भीतर कोई अच्छाई है तो उसे बोल कर ना बताएं, बल्कि उसे अपने कृत्यों के द्वारा व्यक्त होने दें। जो अच्छाई बोल कर व्यक्त करी जाती है वह ईर्ष्या पैदा करती है, और जो अपने आप व्यक्त होती है वह प्रेम पैदा करती है। लोग अपने ही मुंह से अपनी ही तारीफ करते हैं, इससे सामने वाले के मन में सम्मान नहीं बल्कि ईर्ष्या पैदा होती है। वह आपका आदर नहीं बल्कि आपसे घृणा करने लगता है। इसलिए जो आप हैं उसे बताएं नहीं बल्कि व्यक्त होने दें।